नवरात्र के अवसर पर दुर्ग के श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में महाकन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 2000 नवकन्याओं को श्रृंगार से सजाकर भोज कराया गया, साथ ही सभी को उपहार भी बांटा गया। नवरात्र के पावन अवसर पर पूरे देश भर में कन्या भोज का आयोजन बड़े ही आस्था के साथ किया गया, जिसमें नव कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भी भेंट किया जाता है। इसी कड़ी में दुर्ग के गंजपारा स्थित श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में हर वर्ष नवरात्र के 9 दिन बड़ी ही आस्था के साथ नव कन्याओं को भोज कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस कड़ी में इस वर्ष भी लगभग 2000 नव कन्याओं को भोजन कराया गया। सबसे पहले पहुंचे बालिकाओं को समिति के सदस्य द्वारा उनके पैरों में माहूर लगाकर चुनरी भेंट की गई, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ पुरानी गंज मंडी से दुर्गा मंदिर तक झूमते नाचते हुए सभी बच्चों को लाया गया। इस दौरान नव कन्याओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित समाज के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। खुद पंडाल में भोजन करने बैठी कन्याओं को भोजन परोसा, साथ ही उपहार स्वरूप दिया। आपको बता दें, समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुंवार नवरात्र के पावन अवसर पर देश में कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाए का आह्वान महाकन्या भोज के द्वारा किया गया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पावन पर्व पर हम सबको बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। आज नवमी है और लगभग 100 कन्याओं को आज सती चौरा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आज प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ उनका आशीर्वाद, और ये माता स्वरूपा हमारी बच्चियाँ बैठी है इनका आशीर्वाद दुर्ग शहर को मिलता रहे, दुर्ग शहर तरक्की करते रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, दुर्ग शहर खुशहाल हो। ये बहुत अच्छा आयोजन है जो हर साल यहाँ होता है। मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। दुर्गा माता का पर्व 9 दिन की दुर्गा का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है जो हर जगह हर पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है, बट दुर्ग शहर में सती चौरा में यहाँ दुर्गा माता के मंदिर पे पूरे 9 दिन तक पहले रोज कन्याओं को भोग कराया जाता है। 100 से ऊपर कन्याओं का पूरे 9 दिन तक डेली यहाँ पे उनकी प्रसादी, उनको उपहार स्वरूप कुछ ना तो कुछ दिया जाता है। उसके बाद आज दशमी के दिन 2000 करीब कन्याओं को उनको पूरा श्रृंगार करके चुनरी ओढ़ा करके गंज मंडी से यहाँ तक उनको पूरा लेके आते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। और ये माता का ही रूप होती है, कन्या माता ही है, तो हमको एक बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है दुर्ग शहर वालों को कि समिति के कारण ये जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमको भी अपना सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम सबको जय माता दी, नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि पर्व के
नवमी और दसवीं के दिन आज सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर महाकन्या भोज का बृहद आयोजन आज इस प्रांगण में किया गया। सवेरे से एक से लेकर छः साल की बच्चियां गंज मंडी में एकत्रित हुई है और वहां पर उनको श्रृंगार करके रंग लगा के चुंदड़ी उड़ा के वहां से ससम्मान बाजा गाजे के साथ जनप्रतिनिधि और शहर के धर्म प्रेमियों के साथ यहां पर हम लोग उपस्थित हुए सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में। और आप देख रहे हैं यहां पर बहुत ही विस्तृत रूप में कन्याएं महाभोज कर रही है और तत्पश्चात इनको उपहार स्वरूप सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर की तरफ से यहाँ दी जाएगी। यह बृहद आयोजन इसमें 1500 से 2000 कन्याएं यहाँ पर भोजन करती है और सभी समाज के लोग और जनप्रतिनिधि लोग जो शहर के हमारे विधायक हैं, महापौर है, पूर्व विधायक है और जितने धर्म प्रेमी यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इस महा कन्या भोज के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। जय माता दी। इसमें श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति ने एक फिर और एक नया इतिहास महाकन्या भोज को लेकर आज रचा है। पूरे दुर्ग शहर में आज चारों तरफ कन्या माताएं सवेरे 7 बजे से अपने अपने घरों से निकल गई थी और पुरानी गंज मंडी लगभग 9 बजे पूरी पुरानी गंज मंडी भर गई थी। चारों तरफ से कन्या माताएं हर वार्ड से अलग अलग स्तर से अलग अलग मोहल्ले बस्तियों से गंज मंडी पहुंची है जहां पर सभी कन्या माताओं को पैर पर माहूर लगाकर सर पर चुंदरी उड़ाकर माता के रूप में श्रृंगार करके एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा जिसमें केवल कन्या माताएं ही थी और कन्या माताओं की शोभा यात्रा पूरे गंजपारा में भ्रमण करते हुए सत्ती चौरा पहुंची है जहां पूरे गंजपारा वासियों द्वारा फूलों की वर्षा कन्या माता के ऊपर की गई है। सभी कन्या माताओं को एक साथ बैठाकर सत्ती चौरा मंदिर के सामने कन्या भोज कराया जा रहा है। लगभग 2000 कन्याएं इस कन्या भोज में आज कन्या भोज कर रही है। चारों तरफ आज ज्योत विसर्जन का कार्यक्रम भी चल रहा है पर ज्योत विसर्जन के कार्यक्रम को भी छोड़कर आज शहर पर कन्या माताएं इस कन्या भोज में आई है। शहर के बहुत सारे हमारे पूर्व पार्षद नगर सेवक और धार्मिक व्यक्ति कन्या माताओं को यहां तक लाने में हमारा सहयोग प्रदान करे है। क्या आप मैसेज देना चाह रहे थे? देश में कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए और कन्या भ्रूण हत्या पूर्ण तरीके से बंद हो, यही उद्देश्य श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति का और यही उद्देश्य को लेकर यह महाकन्या भोज का आयोजन होता है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।